इंटरेक्शन जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान है, उसमें हमारे पास जो है वो वेरियस टाइप्स के इंटरेक्शंस जो है वो नजर आते हैं. फॉर एग्जांपल कंपटीशन, इसको हम यूजुअली जो है वो नेगेटिव साइन से जो है वो डिनोट करते हैं. कंपटीशन जहाँ है वो वहाँ पे एक दूसरी स्पीशीज के दरमियान जो है वो एक नेगेटिव इफेक्ट पैदा कर रहा है. प्रीडेशन, इसमें एक जो है वो स्पीशी बेनिफिट हो रही है, एक जो है वो इफेक्ट हो रही है. म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों स्पीशीज जो है जो डिफरेंट बिल्कुल टाइप की स्पीशीज हैं वो दोनों को फायदा हो रहा है. कमेंसलिज्म, एक स्पीशीज जो है वो उसको फायदा हो रहा है, वो उसके लिए बेनिफिट है, लेकिन दूसरी जो है वो हार्मफुल नहीं है, उसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा. पैरासिटिज्म मीन्स के जो है वो एक स्पीशी को फायदा हो रहा है लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर स्पीशीज, जिसको नुकसान हो रहा है. कंपटीशन के अंदर अगर हम देखें तो जो है एक ही हैबिटेट के अंदर रहते हुए डिफरेंट पॉपुलेशंस जो है वो सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करती हैं. डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो सेम रिसोर्सेज के लिए होगा तो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा उस जो है वो डिफरेंट स्पीशीज को. फॉर एग्जांपल जो है वो बर्ड्स जो है वो लिमिटेड सीड्स जो है उनको लिए कम्पीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो वुड पैकर्स हैं या स्क्रल्स हैं उनको एक ही दरख्त के अंदर एक ही जो है वो होल के अंदर अपनी जो है वो नेस्टिंग करनी है, तो इसमें जो है वो कम्पीट करने का जो है वो कम्पीट करने की वजह से कोई एक स्पीशी जो है उसको मार्जिन नहीं भी मिल सकता कि वो वहां अपनी नेस्टिंग करे, वो वहां पर जो है अपना ब्रीड करे, और जो है वो स्पीशी आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं डिसलोकेट होगी, किसी और तरफ जो है वो जाएगी, लेकिन उसका जो है वो पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी जो है वो इफेक्ट होगी. इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन जो है इसमें एक स्पीशी जो है वो डायरेक्टली इंटरफेयर करती है दूसरी स्पीशीज के इंडिविजुअल के जो है वो उसकी डेवलपमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जब वो ग्रो करते हैं तो बहुत से ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से दूसरे प्लांट्स जो है वो वहां पे ग्रो नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब है कि वो सॉइल के सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं किसी, लेकिन किसी दूसरे को ग्रो करने नहीं दे रहे हैं वहां. इसका मतलब डायरेक्टली जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं उसकी ग्रोथ में, डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं उसकी जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर. तो कम्पीटिंग जो कम्पिटिशन जो है वो आ गया है तो दूसरी जो स्पीशीज है उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ता है. कंपटीशन अगर जो है वो मिनिमाइज हो जाए, मींस के जो है वो को एवोल्यूशन हो जाए वहां पर, वो जो स्पीशीज हैं जिन्होंने सेम रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं तो वो जो है अगर पार्टीशन कर लें रिसोर्सेज की तो वो बेटर मैनेजमेंट हो जाती है. फॉर एग्जांपल जो है वो वार्बलर्स एक परिंदा है जो कि स्पर के जो ट्रीज हैं उसके नट्स जो है उसको खाता है. अब ये परिंदा जो है इसकी 5 डिफरेंट स्पीशीज जो है वो उसी एक ट्री के मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों से अपने नट्स जो है वो पिक करते हैं, उसको जो है वो एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं. अब इसमें को एवोल्यूशन और जो है सेम फूड रिसोर्स की पार्टीशन हो गई है. फॉर एग्जांपल एक स्पीशी जो वार्बलर्स की है वो जो है बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर जो है उससे जो नट्स है वो लेती है, उससे फूड जो है वो लेती है. बेसिकली नट्स के ऊपर कैटरपिलर्स होते हैं जिसको वो फीड करती है. दूसरी जो स्पीशी है वो जो है टॉप से नेक्स्ट जो लेयर है वहां से जो है वो उन कैटरपिलर्स को पिक करती है और जो है वो अपना फूड सोर्स इस्तेमाल करती है. इसी तरह एक ही दरख्त के ऊपर रहते हुए उसकी जो हाइट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्पीशीज जो है उसके ऊपर जो कैटरपिलर्स हैं उनको फीड कर रही हैं. इसका मतलब हुआ कि सेम फूड रिसोर्स को जो है वो पार्टीशन जो है वो हो गई है तो वो जो है स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है, को एग्जिस्टेंस जो है वो इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर. और ये को एग्जिस्टेंस जो है ये फूड रिसोर्सेज की पार्टीशन कोई 1, 2, या 4 साल का अमल नहीं है, बल्कि ये पीछे जो है वो बहुत 100 सालों का अमल होगा जिसमें उन स्पीशीज ने जो है जो कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट को देखते हुए, नेचुरल सिलेक्शन के फिनोमेना को देखते हुए खुद ब खुद उनकी पार्टीशन जो है वो हो गई कि यहाँ से जो है वो हमने जो है वो पिक करने हैं कैटरपिलर्स, यहाँ से जो है वो हमने जो है वो पिक करने हैं. इस तरह स्पीशीज को एवॉल्व करके जो है को एग्जिस्ट करके जो है वो वहां पे एग्जिस्ट कर सकती हैं. समटाइम्स जो है वो जो टॉप मोस्ट लेयर है या जो लेयर्स हैं उनका जहाँ पे एंड हो रहा है, एक लेयर एंड हो रही है दूसरी लेयर स्टार्ट हो, तो वहां ओवरलैपिंग है वो हो जाती है उस जो है फूड रिसोर्स की. लेकिन वो जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है. उसमें जो भी स्पीशी जो है वो स्ट्रांगर होगी वो जो है वहां से कैटरपिलर्स पिक करेगी, और जो स्पीशी जो है वो वीकर होगी डेफिनेटली वो पिक नहीं कर सकेगी. ये ऑटोमेटिकली जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एरिया जो है
वो प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रॉन्गर स्पीशीज की एवोल्यूशन को और जो है उनकी को एग्जिस्टेंस को जो है सपोर्ट कर रहा है।